पिपलता विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी चेतन बच्चन और भाजपा से प्रेम गोचर ने समर्थकों के साथ किया नामांकन दाखिल। पिपलदा विधानसभा में चुनाव में नामांकन प्रक्रिया का चल रहा दौर समाप्त हो गया। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन पिपलदा विधानसभा से भाजपा से प्रेम गोचर ने तो वहीं कांग्रेस से चेतन पटेल ने अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में चेतन पटेल ने कहा कि ये चुनाव चेतन पटेल का चुनाव नहीं, पिपलदा विधानसभा क्षेत्र की जनता का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर कांग्रेस आलाकमान का धन्यवाद ज्ञापित किया, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रेम गोचर ने कहा कि टेल क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का पानी पहुंचाने, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा सुविधा हो, यही मेरा प्रयास रहेगा। रिटर्निंग अधिकारी नीता वसीता ने बताया कि मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और इसके बाद प्रत्याशी 9 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। वहीं भाजपा से बगावत कर निर्दलीय नामांकन सत्येंद्र सिंह निमोला और कांग्रेस से पिपलदा के टिकट की दावेदारी कर रही महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष व इटावा पूर्व प्रधान सरोज मीणा ने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। इटावा से हर्षित गोचर की रिपोर्ट। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब सबको साथ लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी चुनौती दी है और मेरे पे बहुत विश्वास जताया है। अभी जिस तरीके से एक अच्छी सोच के साथ युवाओं को मौका दिया गया है कांग्रेस पार्टी में, जिसमें मेरे को भी पिपलदा विधानसभा से राजस्थान विधानसभा की इस पिपलदा विधानसभा में एक युवा बतौर मुझे मौका दिया गया है, जिसके लिए मैं आगे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। आगे सभी को साथ लेंगे, सभी कांग्रेसजनों को जोड़ेंगे और क्षेत्र की जनता और जो कांग्रेस पार्टी ने इस विश्वास को हमारे ऊपर, इस जिम्मेदारी को हमारे ऊपर दिया है, उसको बेखूबी पूरा निभाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बैठेगी कांग्रेस में और बहुत अच्छे भारी मतों के साथ इस बार विजयी होने जा रही है कांग्रेस पार्टी। ये चुनाव सिर्फ सिर्फ चेतन पटेल का चुनाव नहीं है, समस्त पिपलदा विधानसभा का चुनाव है। एक क्षेत्रीय एक युवा उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जिताया, इसके लिए मैं समस्त। क्या आपकी रणनीति है और निर्दलीय मैदान में उतरेंगे तो क्या है आपका आगे का प्लान? हमने भी शुरू से ही जब से सर्वे चल रहा है और पार्टी में काम कर रहे हैं, जब से एक ही चीज़ दे रहे थे जो भी आ रहा था जिससे स्थानीय को दे रहे थे, पर आलाकमान ने पिपलदा विधानसभा इस लाइक नहीं समझी कि तो पिपलदा में कोई MLA लाइक नहीं, इसलिए मैंने फर्क पड़ा। आपने किस पार्टी से आवेदन किया था? मैंने BJP से आवेदन किया था, पर हाईकमान को यह है कि पिपलदा विधानसभा में BJP में कोई है इस लाइक है नहीं MLA लाइक, इसलिए नहीं दिया। आगे क्या मुद्दे रहेंगे पिपलदा क्षेत्र की जनता के लिए? आगे तो जो भी मेरे वो होगी, जो भी समस्या होगी वो करूँगा मैं, पर मैं भी ये सीख लूँगा कि भाई इस बात में MLA। मुझे पिपलदा विधानसभा क्षेत्र की सेवा, निश्चित तौर पे यहाँ की जो समस्याएं हैं, समस्याएं हैं यहाँ के चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा की जो समस्याएं हैं, कहीं कमरे नहीं हैं स्कूल में, कहीं अध्यापक नहीं है, इससे काफ़ी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मेरे निश्चित तौर पे इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा हम समाधान करेंगे, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे बेरोजगारों की समस्या हो, चाहे बिजली की।